मैं फिलिस्तीन की कुछ वीडियोस देख रहा था तो एक रील मेरे नज़रों के सामने आई। मैंने उस वीडियो को जब खोला तो मैंने देखा कि उसमें एक फिलिस्तीनी भाई, हमारा मुसलमान भाई, हाथ में टेडी बेयर लिए खड़ा है और घर मलबे में तब्दील हो चुका है। उसी मलबे पर खड़े होकर अपने घर वालों को याद कर रहा है। ये वो शख्स था जिसके तीन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे खूबसूरत से बच्चे थे, उसकी बीवी थी, चारों का इंतकाल हो गया, अकेला रह गया। मेरे प्यारो, ये गमगीन, ये मायूस बाप, ये मायूस शौहर अपने घर वालों के याद में तन्हा खामोश बैठा रहा। और ये जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, ये आज पहली बार तो नहीं है, हम सभी जानते हैं। गालिबन 75 साल से यहूदी लोग फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं और बैतुल मक़दस को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो गम इस आदमी पर है, इस भाई पर है, ये अभी जब दूर हो जाएगा, जब ये गम ख़त्म हो जाएगा, फिर ये मुसलमान, जाबाज मुसलमान उसी बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए फिर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, फिर लड़ेंगे। ये उदासी, ये गम तो कुछ दिन का है, लेकिन मेरे प्यारों, ये 75 साल से फिलिस्तीन अपने घर बार को लुटाते हुए आ रहे हैं, अपने जानों को लुटाते हुए आ रहे हैं। और हुजूर का फरमान है कि क़यामत तक ये लोग बैतुल मक़दस के लिए अपनी जानें, अपना माल लुटाते रहेंगे, लेकिन बैतुल मक़दस को आँच नहीं आने देंगे। तो मेरे प्यारों, ऐसे जज्बे हमारे दिल में भी होने चाहिए।